I just want to say that, you know, since I had my kids, I've been feeling like I don't want to do a lot of the stupid shit I used to. Hold on. But shit, real though. I want to take care of my family. You know what I'm saying? I want to do something to be successful for my kids. I want them to see me in a different way than they see anybody else. You know, like I'm a superhero. You know what I'm saying? Like, I changed a lot. I just checked on my kid too. That's what I was just doing. Now she's back in other room though. And now I'm motivated. I'm about to get it. I won't waste no time. Won't waste a minute. मैं हिमांशु गुप्ता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। इस YouTube चैनल का नाम है योगा इंस्ट्रक्टर। तो आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताएंगे, सिखाएंगे, जो आपके बॉडी के लिए, जो आपके पेट के लिए, जो आपके हाथ के मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन होगा। इस आसन का नाम है चक्रासन। तो चक्रासन के बहुत सारे फायदे हैं, देखेंगे आप कौन कौन से फायदे हैं। यह पेट संबंधी बीमारियों को दूर करता है, शरीर को लचीला बनाता है, वायु रोग को दूर करता है, मोटापा कम करता है, जांघे, मेरुदंड व भुजाएं मजबूत करता है और चेहरे के तेज को भी बढ़ाता है। तो आप देखेंगे इस आसन के करने के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहले पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। अब दोनों पैरों को मोड़कर एड़ियों को नितंब से सटा लें एवं दोनों हाथों को कान के पास इस प्रकार रखें कि अंगुलियां पैरों की तरफ रहें। अब धीरे धीरे सिर की तरफ वजन देते हुए एवं सांस लेते हुए मध्य वाले भाग से पूरे शरीर को ऊपर उठाएं। इसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड तक रहें। अब मूल अवस्था में वापस आते समय सांस बाहर छोड़ें एवं पहले सिर जमीन से टिकाएं, फिर शरीर को नीचे लाएं। तो दोस्तों, ये था चक्रासन लर्नर के लिए जो पहली बार कर रहे हैं। तो वो ये आसन उन लोगों के था, और ये एक एडवांस चक्रासन होता है जो हम खड़े होकर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम खड़े हो जाएंगे। फिर दोनों हाथों को अपने कमर के पास रखेंगे, पीछे की ओर सांस को छोड़ते हुए बैंड होंगे। इस आसन का नाम है अर्धचक्रासन। फिर अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए आगे की ओर बैंड होंगे। सांस को लेते हुए जानेंगे इस आसन की सावधानियां कौन कौन सी हैं। कमजोरी महसूस होने पर इस आसन को ना करें। श्वास चक्रासन का अभ्यास श्वास अंदर रोक कर ही करना चाहिए, तथा अल्सर, हार्निया, पीठ व मेरुदंड के रोग से पीड़ित व्यक्ति भी इस आसन को ना करें।
इस आसन को 10-15 सेकंड होल्ड करें, फिर अपने हाथों को अपने पैरों के नजदीक ले जाए और खड़े हो जाए। तो भाइयों और बहनों, ये चक्रासन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। जय हिंद।